करते मैं यहाँ बेइज्जती कर रहा हूँ इनके सामने। हैप्पी हैप्पी राम राम जी, जय जोहार। बज चुके हैं सुबह के 8:30 और आजकल लेट होने लग गया यार अपन जवाहर सर्कल जाने में। रात को लेट सोते हैं, कल भी कहीं गए हुए थे, परसों भी कहीं गए हुए थे। जब कहीं जाते हैं तो शाम के टाइम मोस्टली लेट हो ही जाते हैं और फिर नींद लेट आती है तो फिर सुबह नींद जल्दी से खुलती नहीं है, इस वजह से लेट हो ही जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कोशिश करेंगे कल से कि शाम के टाइम कहीं ना जाया जाए। चलते हैं जवाहर सर्कल, क्योंकि रूल्स इज रूल्स, रूल्स नहीं तोड़ेंगे अब चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार अपने कंप्लीट कर ली तो फिर तो मैं सिर्फ मेरे थप्पड़ की सुनू बस। क्या एक बार तो भैया जिस बंदे का मैंने कल दिखाया था ना, वो दाल मोट बेच रहा था, आज की दुकान गायब है। कल भी शायद नहीं लगाई मैंने, तो कहने वाला भाई ने एक दिन ट्राई किया था बस धंधा उसको नहीं बैठा, वो चला गया। अरे डॉक्टर तो ट्राई का था जा रहा हूँ, नहीं ऐसे नहीं बोलते किसी के बारे में, होगा आपने क्या मतलब। लेकिन कहने वाला ये है वो अपना बिजनेस खोलने के लिए बैठा था, बिजनेस नीचे हुआ तो चला गया, बस इतना सा है। बिजनेस हर किसी का जमता नहीं, जिसका जमता है उसको बैठने के लिए मेहनत करनी पड़ती, बात ये है। तो उसका नहीं बैठा इसलिए चला गया वो। तो भैया नीचे देखो क्या फेर रहा है, क्यों है। वाह 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 वाह, शानदार, सुपर सॉलिड, एक नंबर। तो भैया आज के बाद देखो जूता ने फेर ले ली झाड़ू, गजब 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 गजब, मान गए साहब। मतलब चप्पल है मिलनी बेचारी सबसे पहले, चप्पल या दो अच्छा सफ़ेद चप्पल अच्छी नहीं लगे, मतलब मन ना करता, मन नहीं करे मतलब फेर गए। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सब चलता है। तो भैया डीमार से सामान खरीद लिया हमने इतना सारा, इधर लेके चल थोड़ा सा, इतना सारा सामान ले लिया। अब सीन ये है कि हमने बैग नहीं लिया, तो बैग की जगह कोट में डालेंगे सामान, हुडी में, हुडी में, कोट में, क्योंकि काम आएगा बैग की जगह आज हुडी का इस्तेमाल किया जाएगा। चलो ठीक है, यहीं उधर खाली जाओ महाराज, यहीं डाल लेंगे। बेइज्जती करवा उधर लेके चलते कोपचे में, यहाँ बेइज्जती करवा इनके सामने। एक 20 रुपये के बैग बचाओ इस चक्कर में, देख ले ठीक है, इधर से लॉक कर दी। सबसे पहले वैसे में डाल सामान वगैरह चीज़ चुमको डाल डाल डाल, नमक डाल ऐसी डाले हम कहता है कि रहे ब्रांडेड वाइन, कोई बात नहीं मत पढ़ाई करा हमारी। फलानी दाल मिकानी दाल पुस्तक पुस्तक और ये हाकलेट, हाकलेट ढंग से माना जाए इसको, मार हेलमेट निकाल रहे वो कहा था जिम में। हेलमेट दिला आखिरकार 18 रुपये बचाए अपन ने यार। हाँ ये देखो कितना महान काम किया है ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपये नहीं आ जाएगी बढ़ते, पर 18 रुपये बचाने की बात ना, नहीं फटे कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी सीजन निकल गया अब तो। नहीं चल ऐसे ही सारा माल ले रहा है। बात ये कि हम डीमार्ट गए थे, राजकुमारी ने कहा कि वो 10 रुपये वाली ले रहे हैं स्क्रीन फ्रूट्स, तो 10 रुपये की स्क्रीन फ्रूट के चक्कर में क्या क्या है वो आपको दिखाते हैं अभी। रुको ये बाजारीकरण है, लेने कुछ और जाते हैं, लेने बहुत कुछ आते हैं लेकर। ले पुस्तुट है ना, ये चॉकलेट, और ऐसा था कि वो तो मिली नहीं, ये लेके आए ठीक है, जान मान के नहीं लाए मान। कॉलगेट
एक सबसे अच्छी चीज लेके आए तेरे लिए, लेकिन ये ले हैप्पी। इतने बड़ा डब्बा लिया तेरे लिए, अभी तो 3 साल तक चले भाई, ठीक है है ना, 3 साल तक चले। तो 10-10 रुपए खाते डिब्बी लाया तू, इतने बड़ा लिया मैं तो 2 किलो बोले, ठीक है हैप्पी हैप्पी हैप्पी। I'm very happy. ठीक है भैया, तो एक सामान लिया देख लो, एक किया डब्बी के चक्कर में बर्बाद ही तो गहरापन होने वाला। जब ही मैं सोचूं घर रुपया कैसे नहीं पहुँचे, जब ही मैं सोचूं घर रुपया कैसे नहीं पहुँचे, बर्बाद तो यही बोले अपन। आजकल के बच्चों की जनरेशन में आपको दिखा देता हूँ, ये देखो अकेला अकेला डांस कर रहा, अकेला अकेला गाना गा रहा और खुद ही खुद की मौज कर रहा, इंजॉय कर रहा, इंजॉयमेंट चल रहा है। मतलब इमेजिनेशन ये चीज़ होती है आजकल के बच्चों की। देखिए डिस्टर्ब कर दिया उधर से अंकल ने, अकेले अकेले गाने डांस करके खुद ही खुद एंजॉयमेंट ले रहे, जैसे टिकटॉक इंस्टाग्राम पे लेते हैं आजकल के लोग। बच्चे भी खतरनाक चीज़ है भैया। तो बच चुके हैं शाम को 8 और सीन ऐसा था भैया, एक मेरे बुआ को छोड़ा हुआ को, अब आ को आज हैप्पी बर्थडे। तो भाई लड़का केक काट वाले, तो ये कि फाइनली हमने 3-4 जगह होटल वोटल देखे, फिर एक कैफे डन किया है गोपालपुरा में, तो आपको दिखाते हैं सारा कुछ लोकेशन। वैसे मुझे सच बताऊं बर्थडे वगैरह में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है 1% भी, अजीब सा लगता है कि यार बर्थडे वगैरह में जा रहा हूं, तो लगता नहीं सही से, लेकिन फिर भी 5वां दिन है आज लगातार। राजकुमारी 5वां दिन है भैया, राजकुमारी की रोटी बनानी पड़ी शाम को, देख लो डेली। आराम से हैप्पी बर्थडे लेकिन सर की तरफ से हैप्पी बर्थडे आपको। एक बार बताओ आप, ये सर है, ये होटल के ओनर है, इनकी तरफ से हैप्पी बर्थडे। 17 साल के हो बस, अच्छा दिन 4 साल बचे। 11:30 और फाइनली हम पहुंचे हैं, अंकल जी की दुकान अभी तक चालू हुई है। कितने बजे रहती है अंकल जी आपकी दुकान? कितने बजे तक? कुछ देर और, ये बहुत बड़ी बात है कॉलोनी में 11-12 बजे तक दुकान चालू रहना। उम्मीद तो नहीं थी इसलिए मैं थोड़ा फास्ट आया आपके पास। तो एक तो दे दो छाछ और एक दे दो नुक्ती कराए थे बनाई हम, तो नक्ती क्या बोलते हैं, नुक्ती बूंदी 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 भाई बूंदी, तू जयपुर में आ टाइम पे, हाँ रास्ता में नुक्ती बोलते वैसे उसको, ये वो है नमकीन वाली। चलो फिर ठीक है, लिख तो रानी कहीं ना, अब मसाला लिख रहा, मसाला हल्का सा लिख रहा हूँ, ठीक है जी, धन्यवाद शुक्रिया। कितने हुए? इस्माइल आ गई खतरनाक गाड़ी। ऑफिसर लेट हो गए, समथिंग 12 बज गई, अब मैं बाहर तो खाना वाना खाया नहीं, सही नहीं लगता मेरे को कई बार बाहर भी खाना खाना, तो घर आ गए अपने देसी अंदाज से बनाया खाना। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वैसे छोटा रह गया थोड़ा सा, क्योंकि आजकल ऐसे ही माहौल चल रहा है, कभी कहीं जाना भी पड़ता है, रहती है लोगों से रिलेशंस भी रखने पड़ते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, जो बंदे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी पुराने बंदे वीडियो को लाइक करके एक प्यारी से कमेंट जरूर छोड़ना। राम राम जी, जय जोहार।